चीचा नमस्ते। बोलो चीचा नमस्ते। हाँ अभी तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल एकदम गर्मी चढ़ा हुआ है। आपके कांस्टिट्यूंसी शेलिंगमपल्ली से बीआरएस से गांधी साहब तीसरी बार, जगदीश्वर रोड साहब कांग्रेस से और बीजेपी से रविकुमार कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से माहौल कैसा रहने वाला है इस बार? अब भाव ये माहौल को तो बीजेपी का दिख रहा मेरे को सर। हवा तो आपके जो एमएलए हैं यहाँ के 9.5 साल में 9,000 करोड़ का डेवलपमेंट करे बोल रहे, तो करे सही में? हाँ करे करे काम तो करे। तो जो जो काम कर रहा उसको वोट डालते हैं, नहीं तो कुछ नया को देखते हैं? काम वाले कुछ डालते हैं। तो आप बोल रहे हैं आपके एमएलए जो है 9,000 करोड़ का डेवलपमेंट करे? बोलते हाँ बोल रहे। क्या बोल रहा हूँ? तो आपके एरिया में जो साईनगर है, ये जो साईनगर है इसमें तो हमारे एमएलए का है। आपके एमएलए का? हाँ। तो आपके एमएलए आपका आपके एमएलए को अगर आपको मार्क्स देना बोले तो कितने मार्क्स देंगे आप? कौन से मार्क्स देने का से? समझो अभी आप कुछ एग्जाम लिखने गए, 100 मार्क का कोई एग्जाम रहता तो 35 जो है पास मार्क रहता, 60 के ऊपर रहता फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास है तो वो हिसाब से देखे तो आपको आपका एमएलए को क्या देते? फर्स्ट क्लास देते, सेकंड क्लास देते, फेल बोलते? फर्स्ट क्लास में आता। तो इस बार कौन जीतेगा आपके शेलिंग वाले में? हाँ इस बार आपके शेलिंग वाले से कौन जीतेंगे? जीते हो तो शुक्रिया भाई।